लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कल से नामांकन शुरू होने वाला है, लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी ने रामपुर और मुरादाबाद के टिकट फाइनल नहीं किए। बताया जा रहा है कि जेल में बंद आजम खां की सहमति के बाद ही इन दोनों सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे। दरअसल आजम खां जेल में बंद है, लेकिन उनकी नजर अब भी रामपुर की सीट पर है। ऐसे में चर्चा है कि रामपुर सीट पर एकता कौशिक को समाजवादी पार्टी से टिकट मिल सकता है। एकता कौशिक आजम खां की मुंहबोली बेटी हैं, तो वहीं मुरादाबाद में एसटी हसन को फिर से टिकट मिलने की संभावना है। 2019 में भी आजम के कहने पर ही एसटी हसन को टिकट मिला था। ऐसे में अब इन दोनों ही सीट्स पर जेल में बंद आजम खां की सहमति का इंतजार है। इसी पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। जिस सीट पर कभी आजम खान का कब्जा था, जहां मोदी लहर में भी आजम अपना किला बचाने में कामयाब रहे, अब उस सीट पर अखिलेश यादव को कैंडिडेट सेलेक्ट करने में वक्त लग रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि आजम खान जेल से ही रामपुर में टिकट तय कर रहे हैं और जो नाम सामने आया है वो आजम परिवार का बेहद करीबी चेहरा है। रामपुर में एसपी से कैंडिडेट लगभग तय हो चुका है। एकता कौशिक को मिल सकता है रामपुर से टिकट। आजम खान की मुंह बोली बेटी हैं एकता कौशिक। एकता कौशिक के पिता पुराने कांग्रेसी नेता थे। ये वही एकता कौशिक हैं जिस पर इनकम टैक्स का शिकंजा कसने के बाद चर्चा शुरू हुई, तब आजम खान ने एकता कौशिक को मुंह बोली बेटी बताया था। अब जब आजम खान जेल में अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि आजम खान के कहने पर ही रामपुर में अखिलेश प्रत्याशी का ऐलान करेंगे, तो वहीं मुरादाबाद में भी आजम खान ही टिकट तय करेंगे। कि सीतापुर जेल में बंद आजम खान ही जिसको चाहेंगे वो रामपुर से प्रत्याशी होगा, और अभी तक यही होता आया है कि आजम खान ने जिसको चाहा है वही रामपुर से प्रत्याशी घोषित हुआ है। चाहे नामांकन के आखिरी दिन, जो नामांकन का आखिरी दिन होता है, उस एंड टाइम पे भी आजम खान जिसको चाहते हैं उसी को कैंडिडेट घोषित करते हैं। मुरादाबाद से एसटी हसन के अलावा दो तीन विधायक भी टिकट मांग रहे हैं, और यही वजह है कि रामपुर और मुरादाबाद में अब तक अखिलेश यादव ने प्रत्याशी फाइनल नहीं किए। बात 2019 के चुनाव की करें तो मुरादाबाद से एसटी हसन को जीत मिली थी, रामपुर से आजम खान की जीत हुई थी। फिर 2022 में सजा के बाद आजम की सदस्यता चली गई। उपचुनाव में बीजेपी ने सपा से रामपुर सीट छीन ली। रामपुर से बीजेपी ने घनश्याम लोधी को सांसद बनाया। ये समाजवादी वाले लोग बताएंगे, हमें उससे क्या बताना है? समाजवादी वालों से जाकर पता करो। हम तो अपनी पूछो, हम 27 को नामांकन कर रहे हैं। हमारा नामांकन माननीय घनश्याम लोधी 27 तारीख को नामांकन करेंगे। ये समाजवादी लोग बताएंगे किसे कराए ना कराए, अभी क्या करना है उनका विषय। क्या लगता है अपने चुनाव को देखते हुए अभी तक हो सकता है समाजवादी वाले यहाँ से प्रत्याशी ना उतारे, हमारा ही प्रत्याशी कह रहे हैं। यानी उपचुनाव में हार की कसक अब भी आजम खान के जहन में है। ऐसे में वो जेल की चार दीवारी से ही रामपुर और मुरादाबाद की सियासत पर नजर बनाए हुए हैं, और माना जा रहा है कि आजम के कहने पर ही दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी का ऐलान करेगी, जिस पर फिलहाल मंथन चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।